क्या हो गया है रश्मि देसाई को, क्या कर रही हैं ये? अब भाई देखिए, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि रश्मि देसाई जो है हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। इंतजार खत्म हुआ। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली और जरूरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि रश्मि देसाई इज बैक ऑन फायर। और याद है पिछला गाना जो पंजाबी ट्रैक रिलीज हुआ था, मैंने साफ तौर पे बोल दिया था रश्मि देसाई मुझे पर्टिकुलरली इस तरीके के उनके टैलेंट का वेस्ट हो रहा है। वो पंजाबी ट्रैक जो था राइट फतेह के साथ जो किया था वो वेस्ट हो रहा है, मैंने साफ तौर पर बोल दिया था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर प्राउडली कहना चाहता हूँ कि परवाह के अंदर रश्मि देसाई को प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया है। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि रश्मि देसाई और नेहा भसीन का 4 तारीख को नया गाना आ रहा है परवाह, जिसका टीजर आज रिलीज किया गया है। अब इस टीजर को अगर आप देखते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है, हालांकि ज़्यादा कुछ स्टोरी रिवील नहीं करी है, लेकिन 2 मनचली लड़कियाँ दिखाई हैं अलॉन्ग विद एक छोटी बच्ची जो कि अपनी मन मर्जी में कुछ भी कर रही है। पीछे रस्टिक बैकग्राउंड है, पीछे हम स्लम एरिया देखते हैं जहाँ पर वो प्रॉपर एक रंग बिरंगे क्लोथ में खड़ी हैं। इस तरीके का म्यूज़िक वीडियो दोस्तों मुझे देखकर लेडी गागा के म्यूज़िक वीडियोस की याद आ गई, बिकॉज लेडी गागा का भी इसी तरीके के वियर्ड कॉन्सेप्ट रहते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी रंग बिरंगी रहती हैं और पीछे का बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा रस्टिक रहता है या थोड़ा सा कह सकते हैं डल रहता है। ओवर एंड ऑल रश्मि देसाई दोस्तों यहाँ पे धमाल मचाते हुए नजर आ रही है। जो मस्ती मजाक और जो फन उन्होंने इस वीडियो को शूट करने के दौरान किया होगा, आई एम 101% श्योर वो उन्होंने किसी भी म्यूजिक वीडियो में नहीं किया होगा। रश्मि और नेहा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और देखते हैं कि अब परवा के एक्चुअली नेहा भसीन के ना जो गाने होते हैं उसके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत है ना एकदम एम्पावरिंग होते हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेल हो किसी के लिए भी एम्पावरिंग होते हैं। तो अब वो एम्पावरिंग होंगे या नहीं होंगे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो चलता हूँ, 4 तारीख को रिव्यू लेकर आऊँगा इसका। आप बस बने रहें चैनल के साथ, मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।